मैं वैशाली यादव पिछले दिनों में यूक्रेन में फंसी हुई थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था हेल्प के लिए। तो लोगों ने उसमें मुझे बहुत ट्रोल किया, उसको राजनीति से जोड़ दिया। तो मैं अभी ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए बना रही हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, घर वापस आ चुकी हूँ, और मुझ पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगी जब हमारे यहाँ के अधिकारी मेरे लिए नोटिस भेजेंगे। तो और भारत सरकार का नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर बेटी पढ़ रही है तो लोग उस पर इतना ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? और आजकल तो लोग सारे काम डिजिटली कर रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मैं अगर यूक्रेन में रहते हुए अपने गांव का काम संभाल रही हूँ तो उसमें ऑब्जेक्शन की कोई बात ही नहीं है। और हमारे गाँव के लोग मेरे काम से खुश हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आप लोग मुझ पर बेबुनियादी आरोप ना लगाएं, थैंक यू। ये यूक्रेन में हमें 22 तारीख को पता लगा कि वहाँ झगड़ा हो सकता है, तो मैंने फ़ोन किया। उसने 24 तारीख को अपनी फ़्लाइट बुक करवाई, लेकिन 24 सुबह झगड़ा हो गया, शाम को फ्लाइट थी, तो वो फ्लाइटें सब रद्द हो गई। उसके बाद हमने उससे कहा तुम वीडियो डालो तो शासन से कहा जाए। उस दिन तक शासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ था कि हम बच्चों को लाएंगे। उसने वीडियो डाला, उसके बाद में सरकार सक्रिय हुई। हम ये नहीं कह रहे वीडियो सक्रिय हुई, सरकार सक्रिय हुई। अगले दिन ये लोग बस से रोमानिया बॉर्डर पहुंचे, पूरी रात ये लोग बॉर्डर पे ही बैठे रहे। अगले दिन इनको रोमानिया प्रवेश मिला। रोमानिया में जब पहुंच गए उसके बाद इतना भयंकर तरीके सोशल मीडिया पे प्रसारित किया गया कि वो घर पे ही थी, वो सपा नेता की बेटी है, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए झूठा वीडियो डाला। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसने कहा कि हमने पापा कहने वीडियो डाला। उसके बाद हमारे पत्रकार साथियों से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा आप बेटी से दूसरा वीडियो मंगवा लीजिए। मैंने फ़ोन किया, उसने दूसरा वीडियो डाला कि मैं इस समय रोमानिया में हूँ, भारत में जो भी चल रहा है वो ये बिल्कुल फेक है, गलत है। नहीं, कोई सत्य नहीं। इस समय सीधी सी एक बात है कि भाजपा के लोग यहाँ बौखलाए हुए हैं। हम पूरे भारत उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर, लेकिन हमारे हरदोई जिले में भाजपा का पत्ता बिल्कुल साफ है। यहाँ यहीं के भाजपा ही सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। बेटी प्रधान है, मेरी उम्र जब 22 साल थी उस दिन से मैं पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। एक बार सांडी ब्लॉक प्रमुख मैं रहा, दो बार मेरी बीवी ब्लॉक प्रमुख रही, एक बार मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, दो बार मेरी माँ प्रधान रही। इस बार मेरी माँ की उम्र बहुत थी, मैंने बेटी को लड़ाया। पंचायत एक्ट में सीधा उल्लेख है कि हर प्रधान को साल में दो बार ग्राम पंचायत की मीटिंग करना अनिवार्य है। बेटी साल में दो बार जरूर यहाँ आती, अपनी मीटिंग हम कर लेंगे। इस हिसाब से हमने चुनाव लड़ाया। उसके जाने के बाद, मतलब उसके जाने के पहले जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी हमारी कार्य योजना थी, मीटिंग थी, वो सब संपन्न हो गई। उसके जाने के बाद किसी भी दस्तावेज में कोई फर्जी दस्तखत नहीं है। मनरेगा का हमने कोई कार्य नहीं करवाया जिसमें प्रधान के दस्तखत होते हैं। मनरेगा में वही काम हुए हैं जब वो यहाँ थी, उस समय काम हुए हैं। हाँ। और उसके बाद सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सरकार की मंशा बेटियों को पढ़ाने की नहीं है? क्या प्रधान पढ़ नहीं सकता है? हमने भी जो भी किया सोच समझ किया है।